अब चलते हैं अनुमेरिक प्रॉब्लम नंबर टेन की तरफ जिसमें हमारे पास एक कंडीशन गिवन है एब्जॉर्पन स्पेक्ट्रम ऑफ फेंट गैलेक्सी की हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पर कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हुए जो चीज़ें फाइंड करनी है आइए उनको स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं एब्जॉपशन स्पेक्ट्रम ऑफ फेंट गैलेक्सी को मैयर किया जा रहा है और उसकी जो वेवलेंथ है जो वन ऑफ द लाइन्स आइडेंटिफाई करते हुए बता रही हैं एक लाइन का जो स्पेक्ट्रम बन रहा है कैल्शियम लाइन के लिए वो कितना है 478 नैनोमीटर एंड सेवनटी एट ये एबजॉर्बशन स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट्स हमारे पास कैल्शियम के लिए सेम लाइन हैज़ वेवलेंथ ऑफ 397 नैनोमीटर व्हेन सेवन इन लेबॉट्री अगर उस कैल्शियम लाइन को लेबॉट्री के अंदर मैय किया जा रहा है तो वहाँ पर उस स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है वो है थ्री नैनोमीटर हमारे पास एबजॉपन स्पेक्ट्रम ऑफ फेंट गलेक्सी पहले जब मैयर किया गया था तब और था सेकेंडली हमारे पास उसकी वैल्यू चेंज होगी हम लोगों ने इन कंडीशन को ऑब्जर्व करते हुए फाइंड करना है क्या जो गलेक्सी है वो टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रही है या अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रही है सेकेंडली हम लोगों ने कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द गेलेक्सी रेलिटिव टू द अर्थ गलेक्सी की स्पीड हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास गिवन है नॉन वैल्यूज है हमारे पास अपेरेंट वेवलेंथ ऑफ कैल्शियम अल्फा लाइन स्पेक्ट्रम ले डैश विच इज़ फोर हंड्रेड सेवेंटी एट नानो मीटर नानो की वैल्यूज पुट कर देंगे रियल वेव लेंथ ऑफ कैल्शियम अल्फा लाइन स्पेक्ट्रम लेदा उसकी भी वैल्यूज को हमारे पास गिवन किया गया है स्पीड ऑफ साउंड है हमारे पास सी इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई पर टर्म पर एट मीटर पर सेकेंड अन नॉन वैल्यूज़ हैं पेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एफ डैश एंड सेकेंडली स्पीड ऑफ गलेक्सी रिलेटिव टू द अर्थ हम लोगों ने फाइंड करना है आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ पहले पार्ट में जहाँ पर हमारे पास अपेरेंट फ्रिक्वेंसी एफ डैश है वो हम लोगों ने फाइंड करना है एफ़ डैश के लिए हम लोग यहाँ जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो होगा एफ़ इज़ इक्वल टू सी बाय लेमदा सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होगी और एफ डैश हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो क्या होगा सी डिवाइड बाई सी प्लस वी एस मल्टीप्लाई बाय एफ यहाँ पर हम लोग f डैश यानी कि जो फ्रिक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड होगी f डैश की फॉर्म में उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे चलते हैं सबसे पहले हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए f इज इक्वल टू सी बाय लमदा विच इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन रिस्ट पावर एट डिवाइड बाय थ्री नाइन्टी सेवन मल्टीप्लाई बाय टेन रिस्ट पावर माइनस नाइन हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर इसको वैल्यू क्या आएगी जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन पावर एट ऊपर था टेन रेस्ट पावर नाइन जब ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में तो वो हो जाएगा टेन रेस्ट पावर नाइन पॉजिटिव नाइन फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करें तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन रेस्टू पावर बेसिक सेम पावर आपस में ऐड हो जाएंगी तो पावर क्या होगी टेन डिस्टू पावर सेवनटीन फर्दर हमारे पास फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू आती है वो क्या होगी सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन डिस्ट पावर फोटीन हर्ड्स नाउ पुटिंग वैल्यूज इज द फॉर्मूला फॉर द रियल फ्रिक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी एफ डैश के लिए हम लोग फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे रियल फ्रिक्वेंसी के लिए हम लोग फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या है एफ डैश विच इज इक्वल टू सी ओवर लेमदा डैश यहाँ पर हमारे पास लेमदा डैश की वैल्यू यानी कि चेंज वैल्यू पुट होगी सी मल्टीप्लाई बाय टेन डिस्ट पावर एट डिवाइडेड बाय फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी एट मल्टीप्लाई बाय टेन डिस्ट पावर माइनस

इस रिज़ल्ट से ये क्लियर होता है कि जो हमारे पास रियल फ्रिक्वेंसी है स्टूडेंट्स वो लेस होती है अपेरेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू से देर फोर जो गलेक्सी स्टूडेंट्स वो अवे मूव करेगी फ्रॉम द अर्थ यानी कि अर्थ से दूर जाती हुई नज़र आएगी हमें अगर हम लोग इन फ्रिक्वेंसीज के ऊपर एजेंपशंस करते हैं बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बी पार्ट में हम लोगों ने सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है फॉर द स्पीड ऑफ गलेक्सी रिलेटिव टू द अर्थ वहाँ हम लोग फार्मूला पुट करेंगे एफ डैश इन टू सी डिवाइड बाय सी प्लस वी एस एफ इस फार्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है वैल्यूज़ को पुट करेंगे एफ डैश की वैल्यू सिक्स पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय टेन रेस्ट पावर विच इज़ इक्वल टू सी डिवाइड बाय सी प्लस वी एस इन टू मल्टीप्लाई बाय सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन पावर सो सिक्स पॉइंट टू डिवाइड बाय सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन रेस्ट पावर फोटीन माइनस फोटीन बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हैं और इनकी बेसिस जो हैं स्टूडेंट्स जो पावर्स के साथ हैं वो हमारे पास ऐड हो जाएंगी लेकिन हमारे पास असेंशली यहाँ पर माइनस होंगी सो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास सी डिवाइड बाय सी प्लस वी एस राइट हैंड साइड बाई और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या रह जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन जीरो पॉइंट एट थ्री इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय सी प्लस वी एस वैल्यूज पुट करते हैं C इज़ इक्ल टू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 0.83 को बाकी तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं सो so देन C इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट एटी थ्री सी प्लस ज़ीरो पॉइंट एटी थ्री वी एस ज़ीरो पॉइंट एट थ्री वी एस इज़ इक्वल टू सी माइनस ज़ीरो पॉइंट एट थ्री सी सो ज़ीरो पॉइंट एट थ्री वी एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन सिक्सटी टू सी वी एस यहाँ पर अकेला कर देंगे राइट हैंड साइड पर डिवाइड होगा जीरो पॉइंट वन सिक्स टू सी डिवाइड बाय ज़ीरो पॉइंट एटी थ्री सो फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं वी एस इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट वन नाइन फोर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन फॉर एट सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हम लोगों ने पुट की सो देन वी एस इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव एट मल्टीप्लाई बाय टेन डिस्ट फॉर एट मीटर पर सेकेंड सो वी एस इज़ इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन रेस्ट पावर सेवन मीटर पर सेकेंड सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर यहाँ तक हम लोगों ने क्या फाइंड किया स्पीड ऑफ द सोर्स को यानी कि गलेक्सी यहाँ पर रिलेटिव टू द अर्थ किस स्पीड के साथ मूव कर रही है सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एस्ट पावर सेवन मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज के दोनों पार्ट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं होप सो आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा आया उसामा बिन कबर यूर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम टिया डॉट पी के होप यू आर डूइंग वेल अला हाफि